डोज कॉइन डाउन पे डाउन आता जा रहा है, कुछ भी पंप देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे भाई मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई इसको लेकर वीडियो बनाओ कि यहाँ से पंप देखने को मिलेगा कि नहीं, या इस लेवल से भी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है डोज कॉइन को लेकर। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। मैं यहाँ पे टेक्निकल परस्पेक्टिव से कुछ लेवल्स देख रहा हूँ जहाँ से डोज कॉइन में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ पे भी प्राइसेज नहीं रुकती है तो डोज कॉइन और भी नीचे देखने को मिल सकता है आपको। तो वो कौन से लेवल्स है आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको छोटे मोटे अपडेट मिलते रहते हैं। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर कर लेना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डोज कॉइन का वनडे का चार्ट ओपन कर लिया है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर प्राइसेस रुकती है तो अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है डोज कॉइन में। अगर नहीं रुकती है तो आपको बड़ा डंप भी देखने को मिल सकता है डोज कॉइन में। तो कहाँ पे क्या है सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लेना। अभी रिसेंट में जब बिटकॉइन में करेक्शन देखने को मिला था तो डोज कॉइन का सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट, उसको ब्रेक कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे विकी बनी, प्राइसेस होल्ड नहीं करी, ऊपर ही होल्ड कर गई इस सपोर्ट के, तो जो कि अच्छा रहा। अगर इसके नीचे होल्ड करते तो प्राइसेस इसमें और भी बड़ा डंप देखने को मिलता आपको, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं कि जहाँ से अगर प्राइसेस नहीं रुकी तो आपको बड़ा डंप देखने मिल सकता है जो कि है 16 सेंट के अराउंड। तो ये 16 सेंट के अराउंड आप यहाँ पे ध्यान में रखना इस एरिया को। अगर यहाँ से प्राइसेस नहीं रुकती है तो बहुत ही बड़ा आपको डंप देखने को मिल सकता है। तो आप इस 16 सेंट के थोड़ा बहुत नीचे 5-7% के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे डोज कॉइन नहीं रुका तो ये कहाँ पे रुकेगा किसी को मालूम भी नहीं, क्योंकि मीम कॉइन है, पता नहीं वापस से जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। लेकिन मुझे क्या लगता है मेजोरिटी चांसेस क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए दो बार पहले भी सपोर्ट पे प्राइसेस आने के बाद स्ट्रेंथ दिखाई है कि यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, एक बार फिर भी आने की कोशिश किया था लेकिन यहीं से अच्छा बाउंस किया। तो वापस से ये जो दो बार आया हुआ है इस सपोर्ट पे, तो एक बार और आ चुकी है प्राइसेस, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। तो यहाँ पे मेजोरिटी चांसेस है कि प्राइसेस में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और बाउंस बैक आएगा तो ये प्राइसेस के 28 सेंट के अराउंड जाने के चांसेस हैं। तो एक बार मेजर कर लेते हैं, अगर 28 सेंट के अराउंड भी यहाँ पे जाती है प्राइसेस तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं यहाँ करंट से ही काउंट करता हूँ, तो यहाँ से लेकर और 28 सेंट तक की प्राइसेस गई तो आपके सामने है कि ये 70% के अराउंड इसमें रैली देखने को मिल सकती है। तो प्राइसेस में पंप आने के तो चांसेस हैं, तो आप इसमें एक्युमुलेट कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस को एवरेज कर सकते हैं। और बात करें स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा लेना, ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है 16 सेंट के अराउंड, उससे 5-7% का नीचे का, क्योंकि वहाँ पे नहीं रुका ना तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा डोज कॉइन। तो अभी आपको जितना लॉस लग रहा है ना उससे कई गुना ज़्यादा लॉस लग सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको बता दिया है डोज कॉइन को लेकर। अगर कुछ भी डाउट है और भी तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।